तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम लोग जनरल एंट्री डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले का जीएसटी का बेसिक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को, जिसके अंदर हम लोग टीएस ग्रेवाल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं जीएसटी के। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, यानी के 12th क्वेश्चन। इससे पहले के 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसे। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ अशोका फर्नीचर ट्रेडर्स लुधियाना पंजाब, यानी के पंजाब के रहने वाले हैं, अशोका फर्नीचर ट्रेडर्स की हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं, जर्नलाइज करने वाले हैं। पहली एंट्री देख लेते हैं। जो पहली एंट्री है हमारी वो क्या है, 2019 में जनवरी 1st स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। कितने से किया गया है जी, 50,000 रुपीज से किया गया है। तो जब बिजनेस स्टार्ट करा जाता है तो यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करी जा रही है, यानी कि कैश आपका बढ़ जाएगा, एज वेल एज आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो कैपिटल हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, इसीलिए उसे क्रेडिट करेंगे, और कैश आपकी फर्म में आ रहा है इसीलिए उसे डेबिट करेंगे। तो ये बेसिक एंट्री है हमारी, सबको याद हो जाती है करते करते। कैश इंट्रोड्यूस कराया है तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। इसके साथ साथ टू कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। टू कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगा जी, 50,000 रुपए से हो जाने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि एंट्री कंप्लीट हो गई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको एक नरेशन भी लिखनी होती है, ठीक है। बीइंग करके हमने बहुत बार आपको सिखा रखा है, बहुत क्वेश्चन में करा था, तो इस क्वेश्चन में मैं कोई भी नरेशन नहीं लिखने वाला हूं आपको, लेकिन समझा दूंगा, ठीक है, कि लिखना कैसे आपको लिखना है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बस, ठीक है। यानी कि जो भी एक्टिविटी होती है हमें उसे लिखना होता है अपने वर्ड्स के अंदर बीइंग लगा करके, ठीक है ना। और बेसिक जो फॉर्मेट था वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें डेट भी आती है, एलएफ भी आता है, डेबिट क्रेडिट सब लिखा जाता है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ आपको जर्नल एंट्री सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से जर्नल एंट्री पास की जाती है। तो आपकी पहली एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, अब देख लेते हैं अपनी सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में क्या है, ओपन अ करंट अकाउंट बाय पर्सनल चेक, यानी के अगेन हमने क्या करा है, कैश इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक बैंक अकाउंट खोला है, कितने का, 3,50,000 रुपए का, ठीक है। एक करंट अकाउंट खोला है कितने का, 3,50,000 का, यानी कि 3,50,000 से हमारा बैंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो मेरा कैश था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए इसकी एंट्री कैसे बनेगी, सेकंड एंट्री के अंदर बैंक आपका बढ़ जाएगा इस बार, क्योंकि बैंक अकाउंट खोला है करंट अकाउंट, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा, जो कि रियल होता है। इसके बाद में यहां हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब बैंक अकाउंट खोलोगे तो आप कैश इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है ना। कितने से हो जाएगा ये, 3,50,000 से हो जाने वाला है। अब आप कहोगे जी इसके अंदर कोई जीएसटी वगैरह तो आ नहीं रही है, तो जीएसटी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अभी ये कैश खाली इंट्रोड्यूस करी जा रही है, कोई आउटसाइडर से कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी जा रही है, इसीलिए इसके अंदर जीएसटी की अभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाती है, लिख देना बींग ओपन द करंट अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं अपनी सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री। अच्छा एक चीज और देखनी है, थर्ड एंट्री कराने से पहले मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि नीचे एक हेडिंग दे रखी है, क्या दे रखी है, सी जी एस टी एंड एस जी एस टी इज लिवाइड एट द रेट 6% इच ऑन इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज, यानी कि आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो इंट्रा स्टेट में, और इसके अंदर जो अप्लाई होगा वो सी जी एस टी और एस जी एस टी होगा 6%, वो भी हर ट्रांजेक्शन पर। आगे लिखा है आई जी एस टी इज लिवाइड एट द रेट 12% ऑन इंटर स्टेट सेल एंड परचेज, ठीक है। तो यहाँ इंट्रा स्टेट है और वहां क्या है, इंटर स्टेट है, दोनों अलग अलग है। इंटर स्टेट के अंदर हमने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस करा था कि सी जी एस टी एस जी एस टी अलग अलग लगता है, यानी कि जब आप एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन करते हो, यानी कि दिल्ली टू दिल्ली करोगे या यूपी टू यूपी करोगे, तो इस तरीके से जब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट बोलते हैं। और जो टैक्सेशन होता है वो दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, एक सी जी एस टी और एक एस जी एस टी। सी जी एस टी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होता है, सी मतलब सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल जी एस टी, और एस मतलब क्या होता है, स्टेट जी एस टी, ठीक है। तो जब इंट्रा स्टेट होता है, एक ही स्टेट के अंदर होगा, तो सी जी एस टी एस जी एस टी दोनों लगते हैं। लेकिन अगर दिल्ली में मैं रहता हूँ और मैं यूपी वाले से कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ,
तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट बोलेंगे। और उसके अंदर केवल आपको क्या लगाना होता है, IGST लगाना होता है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका। पिछले लेक्चर में हमने देखा भी था कि जनरल एंट्री कैसे पास करनी होती है इन तीनों की। आज ये सेकंड पार्ट है, चलिए देखते हैं। आगे लिखा है परचेज मशीनरी अगेंस्ट चेक, यानी कि आपने एक मशीनरी खरीदी है, इसके बदले में चेक काट करके दिया है, ठीक है। तो मशीनरी खरीदी है आपने, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,00,000 रुपए से, और चेक काट के दिया है, इसका मतलब क्या है, आपके पास से बैंक कम हो जाएगा, यानी कि बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इसके अंदर हमने आपको बताया था कि जब आप कोई चीज खरीदोगे, परचेज करोगे, तो परचेज करने के लिए आप पैसे दोगे, और जो पैसे देता है वही देता है टैक्स भी, ठीक है ना। तो GST भी कौन देगा, जो पैसे दे रहा है, यानी कि इस बार हम परचेज कर रहे हैं मशीनरी, तो यहाँ पे CGST और SGST दोनों लागू हो जाएंगे। कितने परसेंट होंगे, 6-6% दोनों पे लग जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, चलिए दिखाते हैं कैसे। ये आपकी एंट्री हो जाएगी फोर्थ, भाई मशीनरी आपने खरीदी है, मशीनरी एक रियल एसेट है, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, ठीक है ना। इसके साथ साथ दो चीजें और भी डेबिट होंगी, क्योंकि हम एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो जो खर्च करता है वही GST भी देता है, यानी कि CGST आ जाएगा यहाँ पे, CGST इनपुट लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, CGST इनपुट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और SGST इनपुट अकाउंट क्या हो जाएगा, ये भी डेबिट हो जाएगा। और टू हम कर देंगे, क्योंकि हमने चेक दिया है, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, इस तरीके से हम लिखेंगे। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब 1,00,000 रुपए की मशीनरी थी, कितने की थी जी, 1,00,000 रुपए की मशीनरी थी, और 6% आपका क्या लग रहा था, CGST और SGST लग रहा था। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 6 × 6 यानी कि 6,000 रह जाएंगे, 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। तो 6,000 रुपए क्या हो जाएगा हमारा, CGST और SGST हो जाएगा, यानी कि 1,00,000 की तो मशीनरी आएगी आपके पास, 1,00,000 की क्या आ जाएगी, मशीनरी आ जाएगी आपके पास। इसके साथ साथ आप 6% यानी कि 6,000 रुपए क्या दोगे, CGST दोगे, और 6,000 रुपए क्या दोगे, SGST दोगे। अब जो टोटल अमाउंट होगा वो जाएगा बैंक से, कट जाएगा आपका, यानी कि 1,12,000, 1,12,000 रुपए क्या हो जाएगा आपका, बैंक कम हो जाएगा 1,12,000 रुपए से। तो ये आपकी जर्नल एंट्री थी। बस आपको इसके अंदर याद क्या करना होता है, याद ये रखना है कि जो पेमेंट करेगा, जो एक्सपेंस खर्च कर रहा है, तो वो टैक्स देता है, और उसके लिए वो एक्सपेंस है तो वो डेबिट करेगा। यानी कि अगर मैं कुछ खरीद रहा हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, और अगर मैं कुछ खरीद रहा हूँ, तो माल तो मेरे पास से आया, लेकिन पैसा तो जाएगा ना, तो पैसा जाएगा तो इसके साथ साथ GST भी चिपक के चली जाएगी साथ में, ठीक है ना। तो बस ये याद रखना है। और यहाँ पे यूज होगा इनपुट, अगर मैं कुछ खरीद रहा हूँ और टैक्स दे रहा हूँ तो इनपुट आएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं कोई सेल करता हूँ तो पैसा मेरे पास आएगा, तो मैं उससे टैक्स लूंगा, यानी कि उसे आउटपुट बोलूंगा मैं, ठीक है, आउटपुट GST। तो इस तरीके से आपकी पहली, ये फोर्थ एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री, फिफ्थ एंट्री क्या है। अगली एंट्री जो है वो है हमारी पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, यानी कि आपने मशीनरी खरीद तो ली, टैक्स भी दे दिया, लेकिन अब आप पेड कर रहे हो उसका इंस्टॉलेशन चार्ज, क्योंकि जो कुछ मशीनरी ऐसी होती है जो आप खुद नहीं लगा सकते, इंस्टॉल खुद नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बाहर से लोगों को बुलाना पड़ेगा, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे लगवाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मशीनरी के इंस्टॉलेशन का चार्ज है, तो ये मशीनरी के अकाउंट में ही जाने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई अलग हेड मत बना देना आप पेड कर रहे हो वेजेस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का, तो ये एक खर्चा होता है, तो आप इसके अंदर क्या कर देंगे, आपके पास से कैश चला जाएगा और मशीनरी अकाउंट अगेन डेबिट हो जाएगी, कितने से, 2,000 रुपए से। तो आपकी जो जनरल एंट्री बनने वाली है, ये तीन पार्ट हो गए थे, चौथा पार्ट देख लेंगे हम। आप लिख देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट, टू
कैश अकाउंट कितने से हो जाएगा 2000 रुपए से। अब आप कहोगे जी इसमें तो आपने लगाया नहीं सीजीएसटी एसजीएसटी, तो सुनिए इसका सीन ये है कि आपने इंस्टॉलेशन करा है ना कि कुछ सेल परचेज। जब आप कोई सेल या परचेज करोगे तो ही सीजीएसटी एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी लगता है। हमने पहली दो एंट्री के अंदर भी क्या करा था, जब कैश इंट्रोड्यूस हुआ था तब भी हमने कोई जीएसटी नहीं शामिल की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि वहां कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था, वो तो कैश इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था, कोई सेल या परचेज नहीं था, ठीक है ना। तो कोई सेल या परचेज होता है तब जीएसटी का पोर्शन आता है, अदरवाइज नहीं आता। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन करवाया आपने खाली, तो कोई सेल परचेज तो हुआ नहीं है, इसीलिए इसके अंदर जीएसटी का इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, नोट कीजिए, देखते हैं अपनी अगली एंट्री। तो चलिए अब देखते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री हमारी क्या है जी, अगली एंट्री है परचेज्ड टिम्बर फ्रॉम सिंह एंड कंपनी, ठीक है, लुधियाना पंजाब ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बहुत बढ़िया, यानी कि आपने क्या खरीदा है, टिम्बर खरीदा है। टिम्बर खरीदा है किससे खरीदा है, सिंह एंड कंपनी से खरीदा है, और जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी 20,000 और 10% क्या था आपका ट्रेड डिस्काउंट था। तो बहुत इजी एंट्री होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस एक नई चीज आ गई है ट्रेड डिस्काउंट। हालांकि हमने पिछली क्लास में इसको भी डिस्कस करा था, अमाउंट देख लेते हैं 20,000 की है, 10% क्या है ट्रेड डिस्काउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए पांचवी एंट्री, आपने परचेज किया है ना, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट कर दोगे, क्योंकि आप इसी चीज का व्यापार कर रहे हो, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अब इसके बाद आप माल खरीद रहे हो तो भाई सीधी सी बात है आप सीजीएसटी भी दोगे और एसजीएसटी भी दोगे, तो इनपुट आ जाएगा यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इसके साथ साथ इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, टू कैश अकाउंट आ जाएगा, टू कैश अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वैल्यूज पुट करने की। तो माल हमने खरीदा था 20,000 का, जिसमें 20% आपका जो था वो क्या था ट्रेड डिस्काउंट, 10% जो था हमारा वो क्या था ट्रेड डिस्काउंट था। 20,000 की हमारी वैल्यू थी, 10% हमारा क्या था ट्रेड डिस्काउंट था। पहले आप इस चीज को समझिए, 20,000 रुपये का माल था, ठीक है, 20,000 रुपये का क्या था माल था। अब 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा 2,000 रुपये, यानी कि एक जीरो कम कर देंगे, जो आपकी वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी 18,000 की बचेगी। आप एक बात हमेशा याद रखें, ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू को घटाया तो जाता है लेकिन शो नहीं करा जाता, इसकी अकाउंटिंग नहीं होती। यानी कि जो माल आपने खरीदा होगा कितने का खरीदा होगा, माल तो आपका कितने का आया होगा 20,000 रुपये का आया होगा, लेकिन यहाँ पे हम शो कराएंगे कितने का 18,000 का, ठीक है ना, क्योंकि 20 में से दो गए तो कितने बचेंगे 18,000 बचेंगे। अब इस 18,000 पे आप क्या दोगे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 6% निकाल लेते हैं, 18,000 का 6% हो जाता है 6%, ठीक है, 20 से 20 कम कर देंगे 18 × 108 यानी कि 1,080 इनपुट हमारा आ जाएगा 1,080 और आउटपुट भी कितना हो जाएगा 1,080, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी डेबिट वाली पोर्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट साइड की, तो क्रेडिट हम कितना करने वाले हैं, तो क्रेडिट करने वाले हैं इन तीनों का टोटल, यानी कि हमारे पास से जो टोटल पैसा जाएगा वो कितना जाने वाला है, ये जाएगा 20,160, ठीक है, 20,160 रुपये आपके पास से जाने वाले हैं। तो ये आपकी एंट्री हो जाती है कंप्लीट। मैं दोबारा आराम से समझा देता हूँ, देखिए 20,000 रुपये का माल खरीदा था लेकिन उसके अंदर जो ट्रेड डिस्काउंट था वो कितना था, वो था हमारा 2,000 रुपये, 10% हमने निकाला, तो उसे घटा देंगे क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट था, तो वैल्यू बचती हमारी 18,000 रुपये, तो इसी पे हम देंगे सीजीएसटी और इसी पे हम देंगे आईजीएसटी, क्योंकि जितने की हमने पेमेंट करी है। और जो टोटल अमाउंट हमारे पास से जाएगा वो कितना जाएगा 20,160 रुपये जाने वाला है। तो ये आपकी एंट्री हो जाती है कंप्लीट विद नरेशन। तो चलिए अब देखते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री हमारी क्या है, आउट ऑफ द अबव टिम्बर यूज्ड फॉर फर्निशिंग द ऑफिस,
यानी के जो हमने टिम्बर अभी खरीदा था उसमें से केवल हमने कितना यूज करा है, 5,000 रुपए का यूज करा है। तो 5,000 रुपए का यूज करा है तो इसका मतलब क्या है, इसकी जनरल एंट्री कैसे बनाएगी, इसके अंदर रिवर्स मारा जाएगा एंट्री को। रिवर्स कैसे मारा जाएगा मैं आपको बता देता हूं। इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये आपकी 5 एंट्री हो गई थी, अब हम देखेंगे अपनी 6th एंट्री। 6th एंट्री के अंदर अब आप कर दोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दोगे। 2 यहां पे हम लिख देंगे परचेज अकाउंट, 2 परचेज अकाउंट, और हम लिख देंगे 2। इस बार ध्यान ये देना है कि पूरा का पूरा हमने यूज नहीं करा है, कुछ कम यूज करा है, यानी कि वो वापस जाने वाला है, यानी कि जो हमने जीएसटी दी थी यानी कि एसजीएसटी और सीजीएसटी वो इस बार हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हर बार जब हम पे करते थे तो हम लिखते थे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ठीक है, दोनों को हम डेबिट करते थे, लेकिन इस बार वापस हो रहा है तो इसीलिए रिवर्स मार देंगे जीएसटी के एंट्री को। तो ये हो जाएगा 2 इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और 2 हम लिख देंगे आउट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि यहाँ रिवर्स हो रहा है, कितने का हो रहा है, 5,000 रुपए की अमाउंट थी, तो 5,000 रुपए से आप देख लीजिए परचेज जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, क्रेडिट 5,000 से हो जाएगा। हम परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे यानी कि कम कर देंगे। अब 5,000 पे हमारा 6% जो हमने दिया था वो वापस हो जाएगा, यानी कि 5×6=30, यानी कि 300 रुपये क्या हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, यानी कि 300 और ये हो जाएगा 5,600। तो ये एक रिवर्स एंट्री थी, जब भी आप किसी को जीएसटी पे करते हैं और उसके बाद आपको वापस करना होता है तो इनपुट ही लिखेंगे हम, लेकिन उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब आपने पे करा था तो उसे क्या किया था, डेबिट किया था, अब आप वापस कर रहे हो तो क्या कर दोगे, उसे क्रेडिट कर दोगे। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री हो जाएगी कंप्लीट, नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगली एंट्री। ये अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री हमारी क्या है, सोल्ड टिम्बर टू राकेश, यानी कि टिम्बर हमने सोल्ड किया है इस बार राकेश को, ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस बार हुआ क्या है, हम माल बेच रहे हैं 10,000 रुपए का, इसके साथ साथ हमने उसे डिस्काउंट भी दे दिया, कितना, 10%, तो 10,000 का 10% हो जाता है कितना, 1,000, यानी कि 1,000 उसे लेस कर देना और उसे शो नहीं करना, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, हम नाम देख लेते हैं, नाम क्या है, राकेश का नाम है, ठीक है ना, और यहाँ कैश की तो कोई बात हो नहीं रही है, ठीक है, कैश की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, 6 एंट्री आपकी हो चुकी थी, अब देख लेंगे 7th एंट्री। आपने इस बार सेल किया है, ठीक है, किसको किया है, राकेश को, तो राकेश अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा, जो कि रिसीवर है, पर्सनल नेचर का है, तो राकेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हम लिख देंगे 2 सेल अकाउंट, आपने सेल किया है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप माल को बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा इन फ्यूचर, और कैश आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, टैक्स भी आएगा। तो जब आपके पास टैक्स आता है तो हम उसे लिखते हैं आउटपुट, क्या लिखते हैं, उसे हम लिखते हैं आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट और, ठीक है, 2 आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट, दोनों को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी दोनों को हम क्रेडिट करने वाले हैं और इसके साथ साथ सेल को भी करने वाले हैं। तो सेल हमारी कितनी होगी इस केस के अंदर, देखिए 10,000 रुपए का माल आपने सेल किया है, लेकिन आपने 10% यानी कि 1,000 रुपए का उन्हें डिस्काउंट भी दिया, यानी कि जो वैल्यू बची हमारी कितनी बची, 9,000 रुपए की बची, तो 9,000 रुपए इसके अंदर शो कराएंगे हम सेल के अंदर, 9,000 रुपए। अब इस 9,000 रुपए का हम क्या निकाल देंगे, 6% निकाल देंगे, ठीक है, तो 9,000 का 6% कितना हो जाता है, 6×5=54 यानी कि 540 रुपए, ठीक है, कितना हो जाता है, 540, और यहां भी कितना आ जाएगा, 540। तो अभी हमारा कितना हो जाएगा, 540 ये हो जाता है हमारा 1,080 और 9,000 वहाँ, यानी कि 10,080 हो जाएगा, 10,080, ठीक है।
हमारी जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी क्रेडिट की, सबका जब हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,080। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि हर बार हम क्या कर रहे थे, परचेज कर रहे थे, तो हम इनपुट क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे। इस बार हमने माल बेचा है तो ये फायदे वाली चीज है, यानी कि आपके पास कैश आएगा, कैश आएगा तो टैक्स भी आएगा, तो जो भी इनकम होती है हमारी उसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट करते हैं नॉमिनल नेचर के कारण। तो इसीलिए सेल भी हमारी इनकम है और ये भी हमारे फायदे वाली चीज है, क्योंकि ये हम उनसे लेंगे और आगे पास आउट कर देंगे। ठीक है, तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी दोनों का हम क्रेडिट करने वाले हैं, और बिंग के अंदर आप लिख देना कि आपने सेल करा है राकेश को। ठीक है ना, तो ये एंट्री भी आपकी हो जाती है कंप्लीट। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। तो चलिए अब देखते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री हमारी क्या है, इशूड टू सिंह एंड कंपनी आ चेक इन फुल सेटलमेंट 20,000 रुपीज। यानी कि सिंह एंड कंपनी के साथ जो हमने ट्रांजेक्शन करी थी उसके साथ अब हमने क्या कर लिया है, फुल सेटलमेंट कर लिया है। कितने रुपए से कर लिया है, 20,000 रुपए से। तो ऊपर हमने ट्रांजेक्शन करी थी सिंह एंड कंपनी के साथ, ये रही। ठीक है, तो ये फिफ्थ एंट्री थी हमारी। फिफ्थ एंट्री में हमने पेमेंट करी थी, ठीक है, 20,000 रुपए की कीमत थी, 10% हमारा ट्रेड डिस्काउंट था, यानी कि आपका 19,000 हो गया था। 19,000 के हिसाब से हमने जब टैक्स वगैरह दिया था, तो ये 20,160 रुपए मुझे याद है हमने इसकी लाइबिलिटी क्रिएट करी थी, यानी कि 20,160 रुपए की वैल्यू निकल के आ रही थी जो हमें पे करनी थी, क्योंकि हमने यहाँ माल खरीदा था इसके साथ। 20,160 रुपए हमें पे करना था, ये हमारा क्रेडिटर था। तो इसी के साथ अब हमारा क्या हो गया है, फुल सेटलमेंट हो गया है। कितने रुपए में हो गया है, केवल 20,000 रुपए में हो गया है। यानी कि आपका जो फायदा हो गया कितने का हो गया, ये हो गया आपका 160 रुपए का। तो यानी कि आपने पेमेंट कितनी करी होगी, 20,000 की, क्रेडिटर खत्म हो गया कितने का, 20,160 रुपए का। तो नाम क्या था इसका, सिंह एंड कंपनी था। तो चलिए देखते हैं इस एंट्री को कैसे करना है। बहुत इजी एंट्री है, 7 एंट्री आपकी हो चुकी थी, अभी आपकी 8वीं एंट्री होगी। ठीक है, अभी आपकी 8वीं एंट्री होने वाली है। तो यहाँ पे वो क्रेडिटर था, उस वक्त आपने इसे क्रेडिट करा था, अब यहाँ आप इसे क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। सिंह एंड कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और चूंकि आपने पेमेंट कर दी है तो टू बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ चूंकि आपने फुल सेटलमेंट करा है, आपका फायदा हुआ है, फायदा मतलब आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है और वो आपकी एक इनकम है, तो इसीलिए इसे भी हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब पेमेंट आपने करी थी कितने की, 20,000 रुपए की। ठीक है, आपका फायदा कितने का हो गया, 160 रुपए का, और जो आपका क्रेडिटर खत्म हो गया वो हो गया 20,160 रुपए का। ठीक है, 20,160 रुपए का, बहुत इजी है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20,160 रुपए से आपका क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, ये आपकी एंट्री हो जाती है कंप्लीट, इसमें फायदा हो गया है आपका। ठीक है ना, तो फुल सेटलमेंट की एंट्री इस तरीके से आपको करनी है। अगर आपको फायदा हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव कर देंगे। बाय चांस हमें किसी से लेना होता और हमने डिस्काउंट दिया होता तो डिस्काउंट अलाउड करके उसे डेबिट कर देते, क्योंकि सारे एक्सपेंस और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं और सारी इनकम और गेंस को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये आपकी एंट्री हो जाती है कंप्लीट। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री हमारी क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम राकेश इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 10,000 रुपीज। ठीक है, यानी कि राकेश एक डेटर था जो हमें पैसे देता इन फ्यूचर। ठीक है, तो उसके साथ हमारा क्या हो गया है, फुल सेटलमेंट हो गया है। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया था, ठीक है, राकेश के साथ हमने ट्रांजेक्शन करी थी 10,000 रुपए की, 10% ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया था, यानी कि 9,000 बन जाता है। ठीक है, और 9,000 में भी आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी लिया होगा। ठीक है ना, तो इसकी जो फाइनल अमाउंट बन जाती है हमारी, वो बन जाती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 10,000 की वैल्यू, यानी कि 10% डिस्काउंट, यानी कि 9,000 रुपए तो आपके यही बन जाते, 9,000 रुपए आपके ये बन गए थे, प्लस आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लिया होगा, तो 540 और प्लस 540, यानी कि टोटल अमाउंट आपका आ गया था 1,080, और ये आपका हो जाता है 10,080। कितना हो जाता है, 10,080। ये पैसा हमें रिसीव्ड करना था किससे, राकेश से। अब उसके साथ फुल सेटलमेंट हो गया है, ठीक है, और इसने हमें कितने दिए हैं, 10,000 रुपए, यानी कि 80 रुपए का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो डिस्काउंट
अलाउड हो जाएगा इस केस के अंदर। तो अभी जो मैंने एंट्री बताई थी वही एंट्री होने वाली है इसके अंदर भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं, ये 9th एंट्री हो जाएगी। आपके पास क्या हो जाएगा, कैश रिसीव्ड हो जाएगा। कैश अकाउंट क्या कर दोगे आप, डेबिट कर दोगे। इसके साथ साथ इस बार आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो डिस्काउंट दे रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा। ठीक है, जब हम डिस्काउंट देते हैं तो उसे अलाउड करते हैं और उसे डेबिट करते हैं, क्योंकि आपका एक लॉस होता है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड टू, हम कर देंगे जो हमारा डेटर था जिसे हमने डेबिट करा था उसे हम क्या कर देंगे, आप क्रेडिट कर देंगे, तो टू राकेश अकाउंट हो जाएगा। अब कैश हमें कितना प्राप्त हो रहा है, केवल 10,000 हो रहा है। डिस्काउंट हमने कितना दे दिया, 80 का दे दिया। जो डेटर था हमारा वो खत्म हो गया कितने से, 10,080 रुपए से खत्म हो जाएगा। और यह आपकी एंट्री हो जाती है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस बार आपका लॉस हो गया तो आपने उसे डेबिट कर दिया, जितना पैसा मिल गया था उसे भी डेबिट कर दिया, और जो आपका डेटर था जितने से था उसे हमने क्लोज कर दिया खत्म, कि भाई तुम्हारा मेरा सब फाइनल हो चुका है, फुल सेटलमेंट हो चुका है। ठीक है, तो एंट्री आपकी खत्म हो जाती है। देखते हैं अगली एंट्री। चलिए देखते हैं हम अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री हमारी क्या है, वेजेस, पेड वेजेस। कितना आपने वेजेस पेड करा है, 15,000 रुपए। ठीक है, तो 15,000 रुपए आपने वेजेस दिया है। तो वेजेस क्या होता है, वेजेस होता है कि आपने अपनी लेबर को मजदूरी दे दी है। ठीक है ना, तो वेजेस दे दिया है आपने 15,000 रुपए थे। तो यहाँ पे कोई सेल या परचेज हो रहा है क्या, पहले तो आप ये बताइए। अगर यहाँ कोई सेल या परचेज हो रहा होगा तो CGST और SGST लगेगा, अदरवाइज ये आपका एक नॉर्मल एक्सपेंस है और इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई सेल परचेज नहीं हो रहा है तो वेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल एक एक्सपेंस होता है। ठीक है ना, अब यहाँ जो आपने पेमेंट करी है कैश से करी है या चेक से करी है, तो भैया आपने पेड करा है तो कैश करा होगा। ठीक है, हम मान के चल रहे कि यहाँ पे कैश में पेमेंट करी होगी तो टू कैश अकाउंट हो जाने वाला है। ठीक है, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना था हमारा, 15,000 रुपए की वैल्यू थी, तो 15,000 रुपए हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और 15,000 रुपए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये नॉर्मल वेजेस पेड हो गया। ठीक है ना, बीइंग वेजेस पेड, इस तरीके से आपकी नरेशन भी हो जाएगी। यहाँ पे कोई सेल परचेज नहीं था, इसी वजह से GST इंक्लूड नहीं हुआ है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है हमारी, इशूड अ चेक फॉर 5,000 इन फेवर ऑफ द लैंडलॉर्ड फॉर रेंट ऑफ फेब्रुअरी। ठीक है, यानी कि आपने चेक दिया है लैंडलॉर्ड को, दिया है एज अ रेंट फरवरी का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी तो एक एक्सपेंस हो गया आपका। इसमें क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और चेक दिया है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। अमाउंट हमारा 5,000 का है, तो यहाँ पर रेंट के नाम से क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये आपका एक्सपेंस है, इसमें भी GST का इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ सेल या परचेज नहीं किया है, आपने चेक दिया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट कितना था, 5,000 था, देख देंगे 5,000 रुपीज यहाँ क्या कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट कर देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग रेंट पेड। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इतने ही रखने वाले हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन किए जा चुके हैं और अभी हम बहुत सारे और क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उनके सॉल्यूशन के लिए आप लोग अपने इस प्यारे से YouTube चैनल कॉमर्स की दुनिया के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।